हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम एक वीडियो और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीबीएसई यूजीसी नेट के बारे में। तो सीबीएसई यूजीसी नेट के कुछ वीडियोस हमने बीएस एकेडमी चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उनको एक एक करके देख सकते हैं। और आपका सीबीएसई यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्लीज आप इस पर इस वीडियो पर जरा फोकस करें। तो सबसे पहले अबाउट मी, तो जो स्टूडेंट पहली बार मेरे को वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम संदीप है और मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद मेरे पास कार्य अनुभव है 2 वर्ष का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। मैंने सीएसआई एग्जाम निकाला है इंजीनियरिंग साइंस से। अब तो इंजीनियरिंग साइंस में एग्जाम होना बंद हो गया, तो उस समय जीआरएफ का एग्जाम हुआ करता था सीएसआईआर से, और मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट जीआरएफ में क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। तो इसमें हम पेपर नंबर 1 के पार्ट को देखेंगे, और पेपर नंबर 1 की हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी के पार्ट को हम देखेंगे। तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको देख लें। और ये जो वीडियो है आईसीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही है, ये बहुत ब्रीफ वीडियो है। इसका डिस्क्रिप्ट वीडियो हम बाद में एक टॉपिक को फर्दर हम एक एक करके हम लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि आईसीटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो पहला तो है आपका हार्डवेयर डिवाइसेस, देन कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, स्टोरेज यूनिट्स और टाइप ऑफ मेमोरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईसीटी के एटलीस्ट कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देन योर ओएसआई लेयर मॉडल्स एंड प्रोटोकॉल्स, यानी ओएसआई लेयर में कितनी मॉडल्स में कितनी लेयर होती है, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ब्राउजर्स, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जेंस, नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज एंड डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन और बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो कंप्यूटर का बेसिक मॉडल है वो क्या है, कैसा है। देन सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं हमारी, कंप्यूटर वायरस क्या है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे कैसा बचा जाए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कितने तरह के प्रकार होते हैं। देन टाइप ऑफ एड्रेसिंग, कौन कौन सी एड्रेसिंग के मोड्स होते हैं, योर इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। देन क्रिप्टोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो क्रिप्टोग्राफी में आती है। देन योर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में है एब्रीवेशंस, कि कोई ना कोई एग्जाम के अंदर एब्रीवेशंस एग्जाम में आई जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस को हमने थोड़ा फोकस करना है और बहुत थोड़ा डिटेल में देखना है। तो पहले है मॉनिटर्स हैं आपके आते हैं, कीबोर्ड्स है, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज है, हार्ड डिस्क डिवाइस डिस्क ड्राइव है, ग्राफिक कार्ड्स है, साउंड कार्ड्स है, रैम्स होता है, रोम होता है, मदरबोर्ड है, वॉइस रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, डिजिटल कैमरा क्या होता है, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, या आप इनमें डिवाइसेस को देख सकते हैं क्या कौन से इनपुट्स होते हैं, कौन से आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है कि जो आपका जो मॉनिटर है वो किस प्रकार का है, यानी इनपुट मोड में है या फिर आउटपुट मोड में, इस तरह के जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पेपर नंबर 1 में आ जाते हैं। और ये जो आईसीटी पार्ट है जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हर्डल रोल प्ले करता है, क्योंकि कंप्यूटर से थोड़ा कम अवेयर होते हैं, तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जो है वो थोड़ा काफी कारगर सिद्ध हो सकता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन योर स्टोरेज यूनिट्स, कौन कौन सी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, जैसे बिट होती है, नंबर होती है, निम्बल होती है, बाइट होती है, किलोबाइट्स होती है, मेगाबाइट्स होती है, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, वर्ड्स और फिर उनके कन्वर्जन, ये सारे के सारे आपके स्टोरेज यूनिट्स में आते हैं। और उनमें हम एक यूनिट को जब दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कन्वर्जन का आपको एक डिटेल टॉपिक आपके लिए इंट्रोड्यूस जल्दी डाल दूंगा, ठीक है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। टाइप ऑफ मेमोरीज, कितनी प्रकार की मेमोरीज होती है हमारी, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और हायरार्की ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कौन सी मेमोरी कितना स्टोर कर सकती है, फिर कितना उसका प्रोसेसिंग का स्पीड होता है, ये सारी की सारी हम इसमें टाइप ऑफ मेमोरीज में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ओएसआई लेयर्स मॉडल एंड प्रोटोकॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कौन कौन सी, पहले तो ओएसआई लेयर मॉडल कौन सी लेयर मॉडल होते हैं। इसके अंदर मैं किसी पे आईसीपी को नहीं इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी मैं आपको
मैं डाल दूंगा इसके अंदर वीडियो में कि कस्टमर्स। तो पहली लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर होती है, देन लेयर टू डेटा लिंक लेयर, लेयर थ्री नेटवर्क लेयर, लेयर फोर ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर फाइव सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, यानी सेवन लेयर्स मॉडल्स होता है। और इन लेयर्स पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। और जैसे मान के चलिए फिजिकल लेयर्स में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे जो फिजिकल लेयर पर वर्क करेंगे, डेटा लिंक लेयर पर काम करेंगे, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसे TCP/IP जो प्रोटोकॉल होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो इस तरह के आपके ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे ही वर्क करते हैं। तो वो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जैसे आपका ये कोई सा भी स्पेसिफिक जो प्रोटोकॉल है किस लेयर पे वर्क कर रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से OSI लेयर मॉडल आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपके जनरली हम कितने वे में डिवाइड करते हैं, देन लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और इंपॉर्टेंट है हमारी कौन कौन सी जनरेशन हुई है लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो ये लो लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, हाई लेवल में कौन सी आती है, मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी कि SQL जो होती है वो किस जनरेशन की लैंग्वेज है, या फिर मशीन लैंग्वेज का आप एग्जाम्पल बताइए, असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम्पल बताइए। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे What types of programming languages we have to include our exam. ठीक है, then your browsers पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, पर कभी भी पूछ लेता कि इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है या फिर नहीं है। तो जनरली हम ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, ये जनरली हमारे ब्राउजर्स होते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम वीडियो में देख लेंगे। देन हमारे पास है नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जेंस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली एक से दो सवाल आपके नंबर सिस्टम में आते हैं, इसमें आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना होता है। जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम हमारा होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, ऑक्टल सिस्टम होता है, उनका हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, और एक दूसरे को कन्वर्ट करने के कुछ ऐसे एल्गोरिथम हैं जिनको हम एक एक करके वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वैसे नंबर सिस्टम का एक वीडियो पहले से वीडियो BS अकेडमी चैनल पर है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस हैं जिनको हमें स्टडी करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैन, वैन, मैन, हब, स्विच क्या होता है, राउटर्स क्या होता है, गेटवे, मॉडम, और ये कौन कौन से डिवाइसेस किस किस लेयर पे, OSI लेयर पे वर्क करते हैं। ये सारी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, डिवाइसेस है जो आपको स्टडी करने हैं अपने एग्जाम के लिए। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हमें थोड़ा ब्रीफली देखना है यहाँ पे, तो मैं आपको उनकी डिटेल केस स्टडी दिखा दूंगा। जैसे जनरली आपको विंडो, लिनक्स, मैकिंटोश और डॉस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन योर सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग, और इनके फाउंडर्स के बारे में जनरली पूछ लिया जाता है कि गूगल जो सर्च इंजन है वो किसने, कौन उसका फाउंडर है कंपनी का, याहू किसने बनाया, बिंग किसने बनाया, जनरली ऐसे हेफाजत वे में क्वेश्चन आ जाते हैं। देन नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में का जो मॉडल होता है उसमें कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और इसके बेसिक मॉडल्स हैं। दो तीन प्रकार के भी मॉडल्स हम ले सकते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडल अपनी तरफ से बहुत से मॉडल सजेस्ट किए थे, तो उसको भी हम देखेंगे। देन योर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वैसे तो जनरली पिछले दो तीन वर्षों में काफी बार ये एग्जाम का ट्रेंड है कि जनरली कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या फिर नहीं है, या फिर आपके बोला जाए कि कौन सी ईमेल की, कोई कौन सा इनमें से ईमेल आईडी क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे जनरली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है ह्यूमन सोसाइटी पर, ये हम देखेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस का हम एग्जाम्पल देखेंगे कैसे वर्क करते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यूजर्स पे, और साथ में हम इसको प्रोटेक्शन और इसको अपना मैनेजमेंट कैसे करें कंप्यूटर वायरसेस का। ठीक है स्टूडेंट्स, देन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम देखेंगे जिसमें जनरली हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाइलर पर, सिमुलेटर पर, ट्रांसलेटर पर, इंटरप्रेटर पर, और MS ऑफिस के बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं जिनके हमारे पास सॉफ्टवेयर पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आपके टाइप ऑफ एड्रेस, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं आपके एड्रेस के, जैसे IP एड्रेस क्या होता है, मशीन एड्रेस क्या होता है, IP वर्जन 4 क्या है, IPv6 क्या है, सॉकेट एड्रेस क्या है, URL क्या है, और आपका एक तरह से ईमेल आईडी, ये सारे के सारे जो है वो टाइप ऑफ एड्रेस में आते हैं, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। देन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसमें स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर,
DSM था, डेटा स्ट्रक्चर, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, ये हम देखेंगे। देन योर क्रिप्टोग्राफी की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रिप्शन का मतलब हैकिंग, हैकर क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, टाइप ऑफ कीज क्या होता है, और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने केवल आपको टॉपिक को ही इंट्रोड्यूस किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम आईसीटी में चेकआउट करेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको आप जरा वीडियो को जरा देखिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर कोई ऐसा वीडियो ऑन डिमांड क्रिएट कराना है, तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।